नमस्कार दोस्तों, निरोग दिवस संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में आज ट्रक ऑपरेटरों द्वारा छोले कुलचे का भंडारा लगाया गया। दी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सावन महीने के चलते यह भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें राहगीरों को छोले कुलचे का प्रसाद वितरित किया गया। अधिकतर से यहाँ पर ट्रक ऑपरेटरों द्वारा आने जाने वाले राहगीरों को छोले कुलचे खिलाकर भोले बाबा को याद किया जा रहा है। इनका कहना है कि सावन महीना भोले बाबा का है, जिसके चलते आज यहां पर भंडारा आयोजित किया गया है। इस महीने ट्रक ऑपरेटरों द्वारा यह भंडारा विशेष रूप से आयोजित किया गया है। पिछले दिनों में ट्रक ऑपरेटर 3 भंडारे आयोजित कर चुके हैं, यह चौथा भंडारा इनके द्वारा यहां पर आयोजित किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका में ट्रक ऑपरेटरों द्वारा 2 महीने पहले दी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया था, जिसके बाद 4 भंडारे इनके द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं। पहले यहां पर छबील लगाई गई थी, काले चनों का भंडारा लगाया गया था। उसके बाद यहां पर कड़ी चावल का लंगर आयोजित किया गया था। उसके बाद अब यहां पर छोले कुलचे बांटकर भोले बाबा को याद किया जा रहा है। फाजिलका का यह दृश्य है। फाजिलका में दी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यह भंडारा आयोजित किया गया है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 25 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਬਾਬੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰਲ 2 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡਾ 1/8/1/9/2019 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20-25 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਲੰਗਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਜੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕੋਰਟ, ਬਸ ਇਹੀ।